हेलो एवरीवन, चिराग कोचिंग सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले गद्य पाठ के चैप्टर टू का वीडियो डाला था, तो इसलिए मैंने अगला वीडियो आपके लिए पुनः लाया है, जो कि कक्षा 10 का है और हिंदी विषयों की गद्य खंड का पाठ 3। तो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन एक बार ज़रूर दबाएं, ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आइए, आपका कम टाइम लेते हैं के साथ मैं पुनः इस वीडियो को शुरू करता हूं। पार्ट 3, भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें के राइटर यानी लेखक हैं मैक्स मूलर। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार हैं, जिसका उत्तर है मैक्स मूलर। अगला क्वेश्चन, दारिश क्या है, जिसका उत्तर है सोने के सिक्के। अगला क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया है, जिसका उत्तर है डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, मुंडा किस देश की जाति है, जिसका उत्तर है भारत। अगला क्वेश्चन, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी, जिसका उत्तर है 1783 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को मैक्स मूलर का जन्म हुआ था, तो इसका उत्तर है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म देसाऊ जर्मनी में हुआ था, इसलिए इसका उत्तर देसाऊ जर्मनी है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था, मैक्स मूलर के पिता का नाम विलहेम मूलर था, इसलिए अगला क्वेश्चन का आंसर विलहेम मूलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांति किसने कहा, जिसका उत्तर है स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन, कालिदास रचित मेघदूत का पदानुवाद किसने किया, जिसका उत्तर है मैक्स मूलर। अगला क्वेश्चन, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था, जिसका उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई, जिसका उत्तर है 28 अक्टूबर 1900। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, हितोपदेश जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया, जिसका उत्तर है मैक्स मूलर। अगले क्वेश्चन, वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था, जिसका उत्तर है भारत। अगला क्वेश्चन, मैक्स मूलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है, जिसका उत्तर है संस्कृत। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, पुनः मैक्स मूलर ने नया सिकंदर किसे कहा है, जिसका उत्तर है युवा अंग्रेज अधिकारियों को। अगला क्वेश्चन, वीरेन हेस्टिंग्स को दारिस नामक कितने सोने के सिक्के मिले थे, जिसका उत्तर है 172, जो कि सोने के थे। उस समय दारिस के नाम से बोला जाता था, इसलिए उस 172 घड़े में भर के उनको मिला था। अगला क्वेश्चन, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है, जिसका उत्तर है मानव विज्ञान से। अगले क्वेश्चन, प्लेटो का संबंध किस देश से है, जिसका उत्तर है यूनान। अगला क्वेश्चन, शाहनामा का रचना काल है, जिसका उत्तर है 10वीं 11वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है, जिसका उत्तर है इग्निस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरकस थे, जिसका उत्तर है वनस्पति वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्न मानव का अर्थ है प्राचीन मानव, इसका उत्तर होगा।
तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं, और हमारे नए वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन का बेल आइकन एक बार जरूर दबाएं। चिराग कोचिंग सेंटर की तरफ से आपको धन्यवाद।